गुलबर्गा शहर में जनता दल सेकुलर पार्टी ऑफिस पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जिम्मेदारों की जानिब से इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें तमाम गुलबर्गा सिटी रूरल और तालुका से हिंदू मुस्लिम तमाम पार्टी लीडर्स कार्यकर्ता के अलावा कई और दीगर लोग मौजूद थे। तमाम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जिम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज जो मुल्क के हालात हैं, ऐसे मौके पर हर धर्म के त्यौहार मिलकर सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क की पहचान ही सेकुलरिज्म है और जनता दल सेकुलर हमेशा सेकुलरिज्म को बचाने का काम करते आई है और आगे भी सेकुलरिज्म की बुनियाद को मजबूत करने के लिए जनता दल सेकुलर काम करेगी। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आज हम जनता दल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार पार्टी किए, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आए। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हीरामठ जी, हमारे जीएस एक्स गुलबर्गा सिटी के रहमत साहब और हमारे यूथ प्रेसिडेंट अली इनामदार साहब और हमारे शामरा सूरन साहब और तालुकाओं से जो भी और भी हमारे कार्यकर्ता और भी हमारे तमाम लीडर्स आए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज नासिर हुसैन उस्ताद साहब, हम उनसे बात भी की, उन्होंने बेंगलुरु में हैं तो उन्होंने भी हमारे साथ रहते थे यहाँ पे बेंगलुरु में। आज सीएम इब्राहिम साहब जो चार्ज लिए उसकी वजह से उन्होंने बेंगलुरु गए, तो उनकी सबकी हिदायत पर आज हमने यहाँ पे पार्टी की इफ्तार पार्टी की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ऐसे ही हर साल हम करते रहेंगे क्योंकि लास्ट टाइम दो आप देख सकते 20 और 21 में कोविड में पूरी दुनिया परेशानी में थी, इसीलिए कर नहीं पाए, लेकिन इस बार अल्लाह ने मौका दिया, हर बार अल्लाह ने मौका दिया तो हम ज़रूर करते रहेंगे। हम हर साल करते हुए आते थे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जनता दल ऑफिस में, दो साल कोविड रहने से हम नहीं करे, इसलिए सभी लोगों को मैं माफ़ी चाहता हूँ कि दो साल क्यों नहीं करे बोलते, वजह कोविड के थे, इसलिए आप लोग सभी जो है ना सभी हमारा पार्टी को दुआ दे के आगे आने ज़माने में जो ना आगे इलेक्शन में कुमार स्वामी जीत के आंधे बोल के आप लोग दुआ करना बोल के मैं आप लोगों से विनती कर लेता हूँ। हमारे वास्ते बहुत खुशी का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमारे जनता दल ऑफिस में तमाम सीनियर सिटीजन, हमारे तमाम लीडर्स सब लोग मिल के यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के ये बहुत अच्छा एक मैसेज ये स्टेट को और सेंटर को दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपील करता हूँ तमाम आवाम से, हम जितने भी कम्युनिटी हैं पूरे कम्युनिटी से, मैं आवाम से वोटर से और पूरों से अपील करता हूं कि भाई ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है हमारा, गंगा जना तहजीब जो है, ये बहुत परंपरा हमारे जो वर्ल्ड में पूरा मशहूर है। इंडिया क्यों मशहूर है बोले तो यहाँ पर एकता का सबूत है, यहाँ पर कोई धर्म कोई जात नहीं है, यहाँ पर जात है तो इंसानियत की एक बहुत बड़ी इंडिया के अंदर एक मिसाल है कि भाई हमारे पास इंडिया के अंदर सब कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलते हैं, पूरे जितने भी त्यौहार हैं वो साथ में मिल के मनाते हैं, उसका सबूत जो है आज हमारे जीडीएस ऑफिस में जनता दल ऑफिस में हुआ है। मैं तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई आज आके इस हमारे इख्तियार पार्टी को यहां पर बहुत सक्सेस करें। जातीत जनता दल जिला कचेरी 15ने दिवस इफ्तियार ऊटद कार्यक्रम जरवेगू नम मित्र जी एस रहमत जियाउद्दीन साहेबर ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಾಮದಾರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಊಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲದೆ ನಾವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ತಿಳಿದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಈ ಕೋವಿಡು ಹಾಗೂ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಊಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಜನತಾದಳ ಸೇಕುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇ ಆಜ್ ಯೇ 15ವಾ ರೋಜಾ दूसरा अरशरा आज जनता दल के कुछ जिम्मेदारों की जानिब से आज इफ्तार शानदार इफ्तार पार्टी का अहतमाम हुआ, इफ्तार के साथ नमाज का अहतमाम हुआ, उसके बाद अभी ताम का अहतमाम चल रहा है। मैं तमाम
पार्टी के तमाम जिम्मेदार और पार्टी से हटके भी जो लोग हमारी दावत में आए हैं उनका सबका मैं हार्डली इस इफ्तार पार्टी में वेलकम करता हूं। दोस्तों वैसे पिछले दो साल 20 और 21 ये कोविड की वजह से वैसे हम हर साल जनता दल ऑफिस में इफ्तार पार्टी होती है, ये दो साल से हम महरूम थे उससे, कोविड की वजह से नहीं कर सके, तो इस बार हमको ये मौका मिला है। तो साथ ही साथ इस बार दो दो तीन तीन ऐसे मौके हमारे को मिले हैं, कल परसों अम्बेडकर जयंती हुई, अभी आने वाली रमज़ान की ईद शायद 30 तारीख को अगर होती तो बसवा जयंती भी उस दिन होने जा रही है, बसवा जयंती 30 को है और हो सकता है रमज़ान ईद भी उसी दिन हो। तो मैं सभी हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इफ्तार कूटदल्ली भागवहिसिद्दारे मत्तु अल्लाह देवरु नम्म ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಉಪವಾಸ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ತಾವೇನು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ತಮಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ।